जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फिर पॉजिटिव चैनल फॉर यू पर। मैं हूं चंद्रशेखर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी रायपुर, एसोसिएट लैंड अकाउंटेंसी और पॉजिटिव चैनल फॉर यू का। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अथवा DRDO द्वारा विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली हिंदुस्तान की थल सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पिनाका वर्तमान में महाराष्ट्र के चंदा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 1000 की औसत की दर से उत्पादित किया जाता है और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा के बड़माल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उत्पादन किए जाने की बात चल रही थी। और दोस्तों, आज हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए समर्थन सूक्त और सबसे पहले देखते हैं पिनाका के विकास के बारे में। पिनाका के विकास की शुरुआत सन 1986 में पुणे स्थित DRDO की एक संस्था जिसे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा किया गया है। इसका सब सिस्टम और कॉम्पोनेंट टाटा पावर SED, LNT और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा विकसित किया जाता है। सन 1996 में इसके लॉन्चर को प्रस्तुत किया गया था। फिर जून 1997 में इसके पहले चरण का परीक्षण किया गया और 1998 में दूसरे चरण का परीक्षण किया गया। फिर सन 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इसके युद्ध क्षमताओं का परीक्षण किया गया था। तत्पश्चात सन 2000 में पिनाका MBRL रेजिमेंट का गठन किया गया। डिजाइन ऑफ MBRL सिस्टम। पिनाका को थल सेना के BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था और ये MBRL एक बहुमुखी प्रणाली है जो हाई एनर्जी प्रोपल्शन, सबम्यूनिशन वॉरहेड, सर्वो कंट्रोल्ड लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन और फायर कंट्रोल कंप्यूटर को एकीकृत करने का काम करता है। पिनाका प्रणाली 8x8 वाहन पे आधारित रहता है एवं हर वाहन में 12 लॉन्चर लगे हैं और इनमें 12 रॉकेट लगे होते हैं जिन्हें रिप्लेसमेंट व्हीकल के द्वारा पुनः भरा जाता है तथा हर एक पिनाका रॉकेट 100 किलो तक का पेलोड 40 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। लॉन्च सिस्टम स्पेसिफिक। पिनाका की लॉन्च प्रणाली में 2 पॉड आजू बाजू लगे हुए हैं एवं हर एक पॉड में 6 लॉन्चर ट्यूब बने हैं जो कि ईग्लास और इपोक्सी कंपोजिट मटेरियल से बने हैं। और दोस्तों, ये पॉड्स रिप्लेसमेंट व्हीकल के क्रेन के द्वारा चढ़ाए या फिर उतारे जाते हैं और 40 सेकंड के अंदर में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं और सीधे से 90 डिग्री तक दाएं और बाएं से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, ये लॉन्चर ऑटोनोमस मोड, स्टैंड अलोन मोड, रिमोट मोड और एनुअल मोड में संचालित किया जा सकता है। दोस्तों, फायर कंट्रोल कंप्यूटर मतलब FCC स्वतंत्र रूप से लॉन्चर को ऑटोनोमस मोड में नियंत्रित करता है एवं स्टैंड अलोन मोड में ऑपरेटर द्वारा कंसोल में कमांड दर्ज किया जाता है और रिमोट मोड में ऑपरेटर लॉन्चर को 200 मीटर की दूरी से नियंत्रित कर सकता है। मैनुअल मोड को अंत में इस्तेमाल किया जाता है जब बाकी कंट्रोल ना काम कर रहे हो और बिजली ना आ रही हो। वॉरहेड वेरिएशन। रॉकेट में अलग अलग प्रकार के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं जैसे प्री फ्रेगमेंटेड जो कि हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं और एंटीटैक बॉम्बलेट, एंटीटैक माइनलेट वॉरहेड, एंटी पर्सनल माइंस और पायलट शॉट। और बता दें कि प्री फ्रेगमेंटेड 25-30% तक ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। नेविगेशन एंड प्रोपल्शन। DRDO ने नेविगेशन एंड पॉइंटिंग सिस्टम के लिए सागेम के Sigma-30 को ऑर्डर दिया था और इसे टाटा पावर SED और LNT द्वारा एकीकृत किया गया। Sigma-30 लेजर गायरो लैंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी से बेस्ड है। इसे विशेष रूप से आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर द्वारा वॉरहेड रॉकेट के लिए बनाया गया है। इसे दागने की शक्ति या प्रोपल्शन हाई एनर्जी कंपोजिट प्रोपेलेंट से मिलती है तथा हाई इंटेंसिटी स्टील से बना मोटर ट्यूब आग के अधिक ताप को भी सहन कर सकता है और इसका जो नोजल डिजाइन है वो बहुत ही हाई थ्रस्ट या फिर जोर को पैदा करता है। दोस्तों, लॉन्च व्हीकल। पिनाका का लॉन्चर स्वदेशी निर्मित Tetra/BEML 8x8 व्हीकल पे लगाया जाता है जो कि 8 टन तक का भार उठा सकता है और लॉन्चर के लिए प्राइमरी पावर ऑनबोर्ड जनरेटर द्वारा मिलती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही विस्तार में पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ऐसी ही डिटेल वीडियो हमने आकाश मिसाइल और निर्भय मिसाइल के ऊपर भी बनाया है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही आई बटन में भी हमने ऐड कर दिया है। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप हमें PayPal, Patreon.com या फिर Paytm के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका सपोर्ट बहुत ही वांछनीय है दोस्तों जो कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।